ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली वड़ा पाव गर्ल मामले में अब हो गई धर्म की एंट्री। वड़ा पाव के अवैध अड्डे पर भंडारा लगाने को अड़ी चंद्रिका दीक्षित। स्थानीय लोगों ने किया ऐतराज, 2 घंटे तक हुआ जमकर जाम और हंगामा। कई घंटे बाद हरकत में आई पुलिस, सभी लोगों को मौके से खदेड़ा। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने आज सरस्वती बिहार के बिस्मिल मार्ग पर खूब हंगामा और ड्रामा किया। प्रशासन द्वारा यहां से सभी की अवैध रेहड़ी हटाए जाने के बाद कल चंद्रिका दीक्षित ने ऐलान किया था कि वो यहां भंडारे का आयोजन करेगी। स्थानीय लोगों ने इसकी पुलिस को भी सूचना दी। चंद्रिका दीक्षित अपने तय समय पर अपने परिवार और समर्थकों के कुछ सामान के साथ वहां पहुंच गई। चंद्रिका दीक्षित के हाथों में देवी देवताओं और गुरु की फोटो थी। अब की बार भी वह अपने पीआरओ कुछ यूट्यूबर्स के साथ हिंदूवादी संगठन के साथ पहुंची। चंद्रिका दीक्षित को स्थानीय लोग कहते रहे कि वह भंडारा कुछ दूरी पर हटकर करें, वहां नहीं जहां रेहड़ी लगती थी। पुलिस ने भी उससे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। इसकी परमिशन है येरी और इसका कोई सबसे बड़ी इसका कोई विरोध करता है हाँ। तो वो अपना हाथ उठा दो। मैं भगवान का विरोध करता हूँ, मैं इंसानियत का विरोध करता हूँ। इनका नाम भंडारा परमिशन है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी हम लोग जब आए थे तो ये ड्रामा कर रहे थे और हम लोगों ने कहा कि आपने ये वाला ही स्पॉट क्यों चुना है, आप यहाँ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आई हुई हैं। इसके हस्बैंड मिले थे, इनसे पूछा आप यहाँ पब्लिसिटी स्टंट के लिए आए हैं, हम तो यहीं करेंगे। तो मुझे मजबूर होकर पुलिस को कॉल करना पड़ा। ये पुलिस मैंने ही बोला था आने के लिए, मैंने ही कॉल की थी पुलिस को। पुलिस आई, उन्होंने भी इनको समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन सब कुछ ऑल इन वेन, बेकार था इनको समझाना। वो लेडीज जिद पे अड़ी रही। मंदिर में लगा गुरुद्वारे में और भाई का भंडारा मैं दुआ दूं। नहीं, क्यों दुआ हो गया? किसी का बच्चा, सुनो बच्चा, एक सामाजिक बात कर रही हूँ मैं, नहीं कर ये चीज यहाँ यही क्यों? तहलका को बुला ले, चंद्रिका दीक्षित पूरी तैयारी के साथ आई थी। इस बार वह अपने साथ एक पीआरओ, खुद को एडवोकेट और बजरंग दल का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताने वाला दीपक नाम का शख्स भी था। ये सभी दिल्ली के दूर दराज से आए लोग थे। स्थानीय लोगों के साथ इनकी बहस भी जमकर हुई और कहा सुनी भी हुई। एक सेकंड अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? अभी आपने बताया आप कौन है, प्लीज बताइए आप कौन है? आप, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हैं बस। आपका नाम भाई साहब, जर्नलिस्ट साहब का एक बार नाम जानना चाहूंगा। मनोज शर्मा, मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा। अब आप अपना परिचय। एडवोकेट दीपक आजाद मेरा नाम है जी। और दीपक आजाद जी, आप किस संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राष्ट्रीय बजरंग दल। राष्ट्रीय बजरंग दल को। और अभी आपका क्या मानना है कि यहाँ लगेगा? आपने कहा एसीपी आके बटवाएगा, एसीपी आके बटवाएगा। आपने कहा एसीपी आके बटवाएगा। आपका ये कहना है केंद्र में, आपने कहा केंद्र के अंदर हिंदुओं की सरकार है इसलिए यही चलेगा, इसलिए यही चलेगा। ये आप कौन सा
मुद्दा लेके जा रहे हैं? ये क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? मैंने बोला लेकिन एसीबी कह रहे हैं कि एसीबी आगे बढ़ा रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है। क्या ये हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है? हम यहाँ रेजिडेंट हैं, हम यहाँ रेजिडेंट हैं। मैं एक बात बताइए, आपको आप अपने घर के बाहर क्यों नहीं बंटवा रहे? अपने घर के बाहर क्यों नहीं बंटवा रहे? आप अपने घर के बाहर क्यों नहीं बंटवा रहे? आपको मैंने पूछा, उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं हम लोग। इसमें हिंदू धर्म का विरोध कैसे हो गया? इसमें भी धर्म दूसरा चंद्रिका दीक्षित को भंडारे लगाने की कोई अनुमति पुलिस ने नहीं दी। वो पुलिस से बहस और झड़प करती नजर आई, लेकिन पता नहीं पुलिस की क्या मजबूरी थी कि वो करीब डेढ़ घंटे तक सारा ड्रामा मूक दर्शक बनकर देखती रही। मामला गंभीर होता देख मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पुलिस बल ने आकर सभी को तितर बितर करने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया। चंद्रिका दीक्षित और उसके परिवार को भी जबरन थाने लाया गया। पुलिस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को मंगोलपुरी थाने लेकर आ गई। स्थानीय RWA ने चंद्रिका दीक्षित के खिलाफ उपद्रव और धार्मिक भावना भड़काने की शिकायत भी दी। दिल्ली में बड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस चंद्रिका दीक्षित का मामला अब थाने तक पहुंच गया है, जहां बात ड्रामेबाज चंद्रिका दीक्षित की दबंग गई और उनके ड्रामे की हो रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है। जब DCP को इस पूरे मामले की जानकारी थी तो फिर वहां पर पुलिस बल को प्रतिनियुक्त क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस माहौल बिगड़ने का इंतजार कर रही थी? जहां पुलिस यूट्यूबर्स और उनके सहयोगियों को खदेड़ रही थी, लेकिन वही पुलिस चंद्रिका दीक्षित के सामने बौनी नजर आ रही थी। अब देखना होगा कि जब चंद्रिका दीक्षित को लेकर के पुलिस थाने पहुंची है तो अब आगे उनके और उनके सहयोगियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। करीब डेढ़ दो महीने पहले सुर्खियों में आई वड़ा पाव गर्ल की लोकप्रियता अब तेजी से घट रही है। उसके साथ जो संवेदनाएं थी अब वो नफरत में बदल रही है। कहने को तो उसे और उसके ड्रामे को लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन उसे ट्रॉल भी जमकर किया जा रहा है। लेकिन लगता है चंद्रिका दीक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो चंद्रिका अपने मकसद में फेल हो गई, लेकिन सवाल है कि क्या अब प्रशासन को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा? मनोज शर्मा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।